नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। क्या आप या तो ऐसे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करें जो जहां है कम से कम अपनी सीमा तक बिहार के लोगों को पहुंचा दें। कहा गया था कि खाने पीने का इंतजाम होगा, कई टोल फ्री नंबर जारी किए गए कि आप इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए तो वहां आपको मदद मिलेगी। लेकिन उन नंबरों पर जब हम लोग भी फोन करके देखते हैं तो एक तो कोई फोन उठाता नहीं है, और जब उठाता है तो बड़ी असंतोषजनक ढंग से बातें की जाती है। अगर हम बाहर से लोगों को बाय एयर लिफ्ट करके ला सकते हैं तो अपने देश में क्या हम एयर लिफ्टिंग की फैसिलिटी नहीं दे सकते? सरकारों को बात करनी पड़ेगी, उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम, उनकी सुरक्षा और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का जो इंतजाम होना चाहिए इसे प्रायोरिटी देना चाहिए। आज बड़ी संख्या में जो लोग विभिन्न राज्यों से अपने अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं बाल बच्चे परिवार को लेकर, वो जो दृश्य बिहार की सीमा दूसरे राज्यों की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं विचलित करता है। ऐसा लगता है कि हमने बिना तैयारी के ही लॉकडाउन कर दिया। मैं सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे आग्रह करता हूं कि आप या तो ऐसे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करिए जो जहां है कम से कम अपनी सीमा तक बिहार के लोगों को पहुंचा दें। कहा गया था कि खाने पीने का इंतजाम होगा, कई टोल फ्री नंबर जारी किए गए कि आप इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए तो वहां आपको मदद मिलेगी। लेकिन उन नंबरों पर जब हम लोग भी फोन करके देखते हैं तो एक तो कोई फोन उठाता नहीं है, और जब उठाता है तो बड़ी असंतोषजनक ढंग से बातें की जाती है। तो मैं समझता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को तत्काल उन लोगों के लिए जो परिवार बाल बच्चा को लेकर इस तपती धूप में सड़कों पर चले आ रहे हैं, अगर हम बाहर से लोगों को बाय एयर लिफ्ट करके ला सकते हैं तो अपने देश में क्या हम एयर लिफ्टिंग की फैसिलिटी नहीं दे सकते? सरकारों को बात करनी पड़ेगी, उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम, उनकी सुरक्षा और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का जो इंतजाम होना चाहिए इसे प्रायोरिटी देना चाहिए। बिहार में गेहूं की फसल कटने को तैयार है, रवी की फसल कटने को तैयार है। कई जगह से किसानों ने हम लोगों को फोन करके कहा है कि थाने वाले गेहूं नहीं काटने दे रहे। हद हो गई भाई, आप किसान को कितना मारना चाहते हैं? मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य के सभी पुलिस थानों को निर्देश जारी करें, अगर कोई किसान अपनी गेहूं और रवि की फसल को काटना चाहता है तो उसे काटने की अनुमति दें, और बिहार के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें हर हालत में सुरक्षित अपने राज्य लाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो सरकार को करनी चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, एयरलिफ्टिंग की हो, चाहे जो भी संभव हो वो करना चाहिए।